No. Goat. ले कुछ से पहने करा आफ्टर सम टाइम. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग स्नेहा. चलिए स्टार्ट करते हैं बीट्स. ठीक है, सो एवरीथिंग इज फाइन, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल. Beats. कहाँ पढ़ना है? पढ़ा है बीट्स. आज का क्लास इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, इसमें देखोगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, स्पेशली जेई मेंस और नीट के लिए. ठीक है, थोड़े आसानी क्वेश्चंस आएंगे. नीट में अगर बीट्स के क्वेश्चन आए तो आपने कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए. कंप्लीट फोकस लगा के सॉल्व करना है. बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है. कॉन्सेप्चुअली और सपोज टू बी क्लियर. व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड नियरली सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज द रिजल्टेंट वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन. सॉरी, मूविंग इन सेम डायरेक्शन. कुछ डर नहीं. सिट डाउन, फिंगर ऑन योर लिप्स, फिंगर ऑन योर लिप्स. ओके, जब दो साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड नियर सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज, दे प्रोड्यूस बीट्स. ये मैथमेटिकली अपने देखा कि कैसे बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका इक्वेशन भी देखा है. ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है. ठीक है, सो देर विल बी टू वेव्स, टू साउंड वेव्स. ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया. ठीक है, पहले मैंने एक एनवेलप ड्रॉ किया. क्या किया? एक एनवेलप ड्रॉ किया. ये एनवेलप क्यों ड्रॉ किया आपको समझ में आएगा. इन लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था उसमें देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है बेटा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन है ना. बाय. एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना. और कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. तो एक है टाइम इंस्टेंट ऐसा मिलेगा जहां पे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैक्सिमम रहेगा, और एक है टाइम फंक्शन ऐसा मिलेगा जहां पे वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिनिमम रहेगा. अब मैक्सिमम और मिनिमम में, दोनों केस में इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम रहेगी. देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम आ गई, अज्यूम किया कि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम आ गई, और यहाँ पे सपोज कहाँ पे, चलो यहाँ पे आ गई मिनिमम, थोड़ा यहाँ पे रहना चाहिए वो. ठीक है, तभी अपन सर्च कर सकते. ठीक है, एक मैक्सिमम आ गया, दूसरा मैक्सिमम, हाँ मिनिमम. सो मिनिमम भी आ सकता है. इफ आई सिंपली आस्क यू, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जब अपन ने डिराइव किया तभी बताया था मैंने आप लोगों को कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सही है. मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के लिए भी और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के लिए भी इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी. क्या रहेगी?
इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, सही बात है, ठीक है। मतलब दोनों पॉइंट्स पे जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैक्सिमम है, जहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिनिमम है, दोनों केस में इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है, जो साउंड अपने को सुनने आएगा ये दो टाइम इंस्टेंट्स पे, मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टाइम इंस्टेंट पे और मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टाइम इंस्टेंट पे, दोनों केस में जो साउंड सुनी आएगी वो लाउड साउंड सुनी आएगी। क्या सुनी आएगी? लाउड साउंड सुनी आएगी, ठीक है। और कभी कभी बीच में जीरो बन जाएगा, यहां जीरो बन गया है ना, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे भी मैक्सिमम है, यहां मिनिमम है, यहां मैं जीरो बोलूंगा, ठीक है ना। ये जीरो क्यों है? क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड मैंने सेम लिया है। अगर नहीं है तो मिनिमम रहेगा यहां पे। क्या रहेगा? मिनिमम रहेगी। सो आई सिंपली से दैट दिस पॉइंट दिस, ठीक है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मैक्सिमम है, ठीक है, आई से दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज देयर। लाउड साउंड है ना, साउंड कैसे आएगा? जम के आएगा। कैसे आएगा? जम के आएगा। नाउ लाउड साउंड, ये पॉइंट्स को अपन बुलाते हैं वैक्सिंग। क्या बुलाते हैं इसको? वैक्सिंग, ठीक है। सिमिलरली साउंड की इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम या जीरो भी बन सकती है। कहां बन रही है? आपको मैंने ग्राफ में दिखाया, ठीक है, जीरो भी बन सकती है, मिनिमम भी बन सकती है, जीरो भी बन सकती है मिनिमम। सपोज मैंने अज्यूम किया कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो जीरो बन गए, ठीक है। सो आई विल से दैट वहां पे कितना है इंटेंसिटी? मिनिमम इंटेंसिटी है। क्या है इंटेंसिटी? कितनी है वहां पे? मिनिमम इंटेंसिटी। नो साउंड, ऐसे पॉइंट्स को बुलाते हैं वैनिंग, ठीक है, वैनिंग। नाउ ये वैक्सिंग और वैनिंग, मतलब लाउड साउंड, लाउड इंटेंसिटी साउंड, लो इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी साउंड, मतलब नो साउंड। अब दोनों को अल्टरनेटली सुनना है तो ये मुंह से प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट जाता है। ऐसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यू हैव इनफ एनिमेटेड एग्जांपल्स ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च बीट्स एनिमेशन, यू विल बी सीइंग दोस थिंग्स, ठीक है। अल्टरनेट लाउड मिनिमम जीरो साउंड, हाई साउंड लाउड साउंड नो साउंड, लाउड साउंड नो साउंड। इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड, द प्रोसेस इन विच वी आर एबल टू प्रोड्यूस अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड, आई सिंपली से दैट फेनोमेना, है ना, लिखूंगा नहीं, मैंने दो बार लिखा है लास्ट क्लास में, द फेनोमेना ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी मूविंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोजिंग ईच अदर producing alternate waxing and waning of sound waves, sound intensity, sound waves, ठीक है, is called beats, are called beats. So, इसको क्या बुलाते हैं? Beats बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? Beats. ये एक phenomena है sound waves की। एक wave की है क्या? नहीं, दो waves की है, जिनमें frequency का slight difference हो। कितना हो difference? Slight difference हो, ठीक है। So, last class में अपन ने सब कुछ derive किया है और ये भी derive किया है, the frequency of beats is modulus of f1 minus f2. Frequency of beats is modulus of f1 minus f2. है ना? इसको बुलाते हैं beat frequency. क्या बुलाते हैं इसको? Beat frequency. f1 किसकी frequency है? First कोई भी एक wave की. f1 and f2 दो waves की frequency है. Modulus क्यों लगाया? क्योंकि f1 f2 से बड़ा हो सकता है तो positive रहेगा. f2 f1 से बड़ा हो सकता है तो negative रहेगा. मगर बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए करके ऐसे लगा दिया। बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर, बीट फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? सपोज बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैसे डिफाइन करना है बीट फ्रीक्वेंसी को, है ना। एक साइकिल यहां पे क्या रहेगा, है ना, एक साइकिल का क्या रहेगा?
वन साइकिल विल बी ठीक है द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग, टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वैनिंग, इसको वैनिंग और इसको वैक्सिंग, टू सक्सेसिव वैक्सिंग्स या टू सक्सेसिव वैनिंग और वैनिंग्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। इसको सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूं, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन माइनस एफ टू, वन अपॉन एफ वन माइनस एफ टू ठीक है। So this is complete information related to beats. This is complete information related to beats. Now iske MCQs pe dhyan denge. Is pe dhyan denge MCQs pe. Now there are tuning fork. ठीक है, ये ऐसा कुछ तो भी रहता है। आपने बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे लोअर ग्रेड्स में भी। बोरिस ब्लेयर, इस बोर्ड ब्लर, बोर्ड ब्लर है बच्चों, इज इट क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? कोई कुछ ब्लर, बोर्ड ब्लर है? हाँ वैदेही, प्लीज इंक्रीज योर ये ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इंक्रीज करो बेटा, क्लियर हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही फॉगी दिख रहा था यहाँ पे, पर मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज किया तो क्लियर हो गया। देखो एक बार ब्राइटनेस इंक्रीज करके। यस, सो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है एक दो सेकंड वेट करो, नहीं है तो फिर एक बार फिर से रीजॉइन हो जाओ। बाकी सब तो नॉर्मल है, क्योंकि सिर्फ मैं चलते समय थोड़ा बोर्ड आगे पीछे होते रहता है, मगर फिर भी कम हो रहा है ना, चलेगा। चलो, ट्यूनिंग फोर्क आपने बहुत से लोअर ग्रेड्स में देखा है ना, ऐसे वाइब्रेट करने के लिए रहता है। इसके जो स्ट्रिंग से ये वाइब्रेट होते हैं, मैंने पहले बताया, इसके वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, कंप्रेशन रेरिफैक्शन अल्टरनेटली प्रोड्यूस होता है ठीक है। सो वी जनरली यूज ट्यूनिंग फोर्क्स फॉर प्रोड्यूसिंग बीट्स इन एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज इन आवर प्रॉब्लम्स है ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है जो ट्यूनिंग फोर्क पे किया जाता है, एक एडिंग वैक्स किसको टू ट्यूनिंग फोर्क, क्या करते हैं वैक्स ऐड करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा, एकदम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वैक्स ऐड करते ठीक है। यही आएंगे क्वेश्चंस में आपको ठीक है। इससे क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क को अगर आपने वैक्स ऐड किया इसके वैंग्स पे ठीक है, तो इसका मास बढ़ जाता है, मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घटती है, क्योंकि वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम रहेगा मगर फ्रीक्वेंसी घटती है। सो आई विल सिंपली से दैट एडिंग वैक्स टू अ ट्यूनिंग फोर्क क्या करेगा, इट रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी, इट रिड्यूसेस इट्स फ्रीक्वेंसी। एडिंग वैक्स टू ट्यूनिंग फोर्क रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी, adding wax to tuning fork reduces frequency. Similarly, there is one more thing, filing of tuning fork ठीक है,
फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, मतलब क्या करते हैं वो घसते, देखो क्या करते हैं उसको, क्या फाइलिंग को कैसे बोल लेंगे, और इफ यू गो टू एनी मेटल शॉप उस वहां पे क्या करते, देखो एक शार्पन करने के लिए थोड़ा घसते रहते, चाकू वाले जो चाकू को शार्पन करते वो नॉर्मली घसते उसके ऊपर, है ना, एक्चुअली मशीन पे लगाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अगर प्रॉपर नहीं लग रहा तो थोड़ा सा एजेस पे क्लियर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए उस ऐसा कुछ तो भी एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको पूरा कम्प्लीटली रफ सर्फेस होता है उसके ऊपर घसते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस को बुलाते हैं फाइलिंग। या आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मतलब इसके ऊपर घसेंगे थोड़ा सा, ठीक है, घसेंगे तो मास कम होता है, मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एडिंग वैक्स डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी एंड फाइलिंग इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, एडिंग वैक्स डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी एंड फाइलिंग इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, कोई बात है इसमें, ठीक है, चलो जो बताया सब क्लियर है सभी को। अब इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम्स देता हूँ आपको, क्या देता हूँ प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है। Now, generally the problems will be in such a way that they will be asking you to find out the unknown frequency. They will be asking you to find out the unknown frequency. बीट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी अपने को, बीट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तो अपना फॉर्मूला बहुत सिंपल है। बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करना है आपने, F1 माइनस F2 निकालना है, क्या करना है, F1 माइनस F2 निकालना है, कोई बात है इसमें, ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर। हाँ, किसी को कुछ बेसिक डाउट्स है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं अपन ट्यूनिंग फोर्क के, कहा जा रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉब्लम्स पे जा रहे, सब हर एक डेफिनेशन दे दिया, हर एक टर्म बता दिया मैंने यहाँ पे, yes Chaitanya, waxing, where do you hear, maximum intensity is waxing, minimum intensity that is no sound is waning, jahan pe maximum sound aata hai wo waxing hai, jahan minimum sound aata hai matlab no sound aata hai, koi bhi sound nahi aata, minimum bole to negative mein bolo wo bhi intensity maximum rehti hai yahan pe, theek hai, so jahan pe minimum sound aata hai wo hai waning, यहाँ पे अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वार्निंग ऑफ साउंड वेव्स होते हैं, रिजल्टेंट साउंड वेव का अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वार्निंग होता है, ठीक है, जीरो जब होती है इसकी एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड सेम वेव्स अपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, जीरो जब होती है एम्पलीट्यूड वो केस को बुलाते हैं वार्निंग, जहां मैक्सिमम होती है वो केस को बुलाते हैं वैक्सिंग, ठीक है। आई एम अनेबल टू बेसिकली आई कैन शो आई विल शेयर यू एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप सब जन देख लो, उसमें से आपको समझ में आएगा वहां पे साउंड कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, नॉट साउंड, ट्यूनिंग फोर्क से बीट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं वो बताएगा, ठीक है। अगर क्लास में रहा तो मैं आई कुड हैव शोन यू, बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, और एल्स आई एम सपोज्ड टू बी स्क्रीन शेयरिंग विद दैट पार्ट, चलो ठीक है। अब इसके ऊपर कैसे प्रॉब्लम आते हैं, सपोज मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा कंप्लीट समरी दे सकता हूं, मगर समरी से आपको डायरेक्टली समझेगा नहीं, यहां देखो क्वेश्चन फर्स्ट, टू ट्यूनिंग फोर्क्स, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है हमेशा, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा यही रखता हूं मैं, टू ट्यूनिंग फोर्क्स प्रोड्यूस बीट्स, प्रोड्यूस बीट्स, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क ए, ट्यूनिंग फॉर्क बी, नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है, अब नंबर ऑफ बीट्स इसको थोड़ा अलग करेंगे, नंबर ऑफ बीट्स इनिशियल फाइनल,
फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, हर्ट्स यहां पे भी हर्ट्स, ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन है अपने पास, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको. क्या करनी है आपको? अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी. चलिए करना है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. फर्स्ट अननोन सपोज बीच हमेशा 280 हर्ट्स नहीं मालूम, ठीक है. इनिशियल सपोज 8 हर्ट्स है, इनिशियल 8 हर्ट्स है, और फाइनल 6 हर्ट्स है. मैं बताता हूं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी तक, क्वेश्चन पूरा बताया नहीं आपको मैंने. सेकेंड इसका 300 हर्ट्ज ले लेते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज 8 हर्ट्ज. थर्ड 320 हर्ट्ज ले लेते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी पहले भी 6 हर्ट्ज और बाद में भी 6 हर्ट्ज. सपोज दिस ऑल केसेस आर फॉर After adding wax, final beat frequency. मतलब क्या कर रहे हैं अपन तीनों केस में? बीट फ्रीक्वेंसी, सॉरी वैक्स एड कर रहे हैं. किस पे? ए पे, सॉरी बी पे. किस पे एड कर रहे हैं? बी पे एड कर रहे हैं. ऑन ट्यूनिंग फोर्क बी, ठीक है. नाउ लिसन टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऐसे पूछा जाता है आपको. मैंने टेबल बनाया जानबूझ के, बिकॉज वी आर सपोज टू बी कैलकुलेटिंग फॉर ऑल द रिक्वायर्ड केसेस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग अस? फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं स्टेटमेंट पे लगाऊंगा तो बोलेंगे टू ट्यूनिंग फोर्क्स, टू ट्यूनिंग फोर्क्स आउट, ऐसे लगेगा, ऐसे बोलेंगे. हाँ, टू ट्यूनिंग फोर्क्स प्रोड्यूसिंग बीट्स 8 हर्ट्ज, two tuning forks producing beats 8 hertz after adding wax to one of the tuning fork, after adding wax to one of the tuning fork, the number of beats produces 6 hertz, number of beats produces 6 hertz. If one of the tuning fork has 280 hertz, bracket mein likhenge where wax is not added, where wax is not added. Find the unknown frequency. Find the unknown frequency of the tuning fork. Find the frequency of the other tuning fork. और हमेशा अपन ने क्या किया तीनों केस में? wax add किया, ठीक है. This initial state is दोनों tuning fork को आपने साथ में बजाया, ठीक है. तब number of beats कितने हैं? 8 hertz, 6 hertz, 6 hertz. जब wax add किया तो 6 hertz आया, जब 6 हर्ट्ज था तो 8 हर्ट्ज आया, जब 6 हर्ट्ज था 6 हर्ट्ज आया, ठीक है. तो वो आपको क्या करना है? अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी. क्या करना है? अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक है. तुम्हाला मी डोकं लावायला टाइम देतोय, चला लावा डोकं. ऑल ऑफ यू आराम से करो, कोई गडबड नहीं है. पर ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, स्पेशली द नीट स्टूडेंट्स. तो वैक्सिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि कम होती है? क्या लिखाया था मैंने?
वैक्सिंग में मास ऐड होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, सॉरी वैक्सिंग बोल रहा हूँ, जब आपने वैक्स ऐड किया, वैक्सिंग नहीं है वो, ठीक है उसको ऐसे वैक्सिंग मत बोले, वैक्स लगाना मतलब वैक्सिंग नहीं है, ठीक है ओके सो ये जनरलाइज्ड वर्ड कर दिए लोगों ने, मगर वैक्स ऐड करना वैक्सिंग नहीं है ओके जब वैक्स ऐड करती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, ठीक है और जब फाइलिंग करती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हाँ रोटेट रोटेट द स्क्रीन असं कस का ये श्रीकांत ओके वैदेही चलो ये एक में एक सवाल करूंगा ना तो तुम्हारे को बाकी सब आ जाएंगे। चलो विशाल जीवे ने आंसर दिया है, एक बार क्या करो सज्जन यहाँ पे ध्यान दो, एक बार यहाँ पे ध्यान दो ठीक है। नाउ सपोज ये वाला एग्जांपल ले लिया अपन ने है ना, 280 हर्ट्ज ये है एक ही, ये है एक ही, वी नो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F2, बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F2, मतलब F1 भी F2 से बढ़ा सकता है या F2 भी F1 से बढ़ा सकता है, एक पक्का है कि दोनों सेम नहीं रहेंगे और दूसरी बात क्या है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो FB करेगा। अगर F2 माइनस F1 ले रहे हो तो इससे ज्यादा है B का है ना, और यहां से कम है एक इसका अगर सेकंड केस में, ठीक है सो इसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक इधर यहां पे रहेगा बी वाला एफबी के पीछे, मतलब 280 में से अगर यहां पे ले लिया 8 तो ये 272 बढ़ सकता है तो मैं लगा देता हूं 272, ठीक है और दूसरा क्या है एक आगे जा सकता है एफबी, कितना जाएगा 288 बनेगा भी, ठीक है सो जो बी की फ्रीक्वेंसी है इनिशियल फ्रीक्वेंसी पूछेगा हमेशा, ठीक है वैक्स ऐड करने के बाद नहीं, वैक्स ऐड करने के बाद नहीं, वैक्स ऐड करने के बाद पूछ रहे क्या नहीं ओके नाउ अब देखिए सो दो पॉसिबिलिटीज है, एक 272 हर्ट्ज या 288 हर्ट्ज, 272 हर्ट्ज या 288 हर्ट्ज, ठीक है जब अपन वैक्स ऐड करते हैं बाय एडिंग वैक्स टू अननोन फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिखता हूं अननोन फ्रीक्वेंसी आपका टीएफ बी है, ट्यूनिंग फोर्क बी है, बाय एडिंग वैक्स टू ट्यूनिंग फोर्क बी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं अपन, वैक्स ऐड करने के बाद बी की ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ती है घटती है कम होती है ना, तो क्या होती है F2 will reduce सो बैक टू दिस अगेन है ना वेरी गुड, तो ये है बच्चों कैच करना इसमें, 280 का फ्रीक्वेंसी है नॉन फ्रीक्वेंसी, उसमें से एफ बी यहां पे हो सकता है 288 या पीछे हो सकता है 272 ओके आपने क्या किया वैक्स ऐड किया, क्या किया वैक्स ऐड किया, ठीक है तो जब वैक्स ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो यहां से भी पीछे आएगी और यहां से भी पीछे जाएगी है ना, फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस, ठीक है फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस, ठीक है एक ऑप्शन अपने पास ये है कि F2 less than F1 ये वाला साइड है वो, या F2 greater than F1, अब अपने को ध्यान देना है कि जब वैक्स ऐड किया तब कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है, उन्होंने दिया अपने को कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है 6 हर्ट्ज, ठीक है अब यहां देखो ये सब कंप्लीट लॉजिकल है, किसी को भी समझ में आएगा, जो फिजिक्स हेट करता उसी को भी समझ में आएगा, अभी देखो मैं इसको सिखा रहा भी रहा हूं यहाँ पे सामने, ठीक है अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 288 हर्ट्ज़ है 272 हर्ट्ज़ है, वैक्स ऐड किया तो फ्रीक्वेंसी कम होना, फ्रीक्वेंसी क्या होना कमी होना, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूसिंग बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब आंसर क्या रहेगा 272, यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी तब आंसर क्या रहेगा 288, अब देखो पहले 8 हर्ट्ज था बाद में 6 हर्ट्ज बना, बाद में क्या बना 6 हर्ट्ज बना, ठीक है तो फ्रीक्वेंसी कम हुई
है ना। सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी F2 कितना था, 288 हर्ट्ज। अननोन फ्रीक्वेंसी कितना था, 288 हर्ट्ज। आपको वैक्स लगाने से पहले ही पूछेंगे, वैक्स लगाने के बाद का फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेंगे, वैक्स लगाने के बाद आपको सिर्फ बीट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, ठीक है। तो ये है, मैंने पहले का सॉल्व किया, थोड़ा डिटेल सॉल्व किया इसलिए इतना बड़ा हुआ। ये तो करने की भी जरूरत नहीं है, आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो, सिर्फ एक बार आपने ये वाला ड्रॉ कर लेना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चला ह्याच्या मध्ये कोणाला काय काय पण काय पण विचारायचं तर विचारून घ्यातच, ठीक है। नाही तर ये दोनों करो, मैं क्या बोलता हूं, ये दोनों प्रॉब्लम सबजन करो, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ा है अभी इसका एप्लीकेशन यहां पे आएगा। देखो करो, टू 294 आया क्या, वेरी गुड, ठीक है। सो पहला आंसर आ गया मेरे को, कितना आया, 288 हर्ट्स। कैसे निकाला मैंने, समझ में आया सभी को? अब 300 बोले तो 294 या 306, वैक्स ऐड करने में फ्रीक्वेंसी घटती है तो सही बात है, यहाँ पे कितना आएगा, 294 हर्ट्स। मेरे को इस पे इंटरेस्ट है, यस विकास, यशस्वी मोरे, आंसर करना है आपने। अच्छा यशस्वी थर्ड का आ रहा है क्या आपको, ओके वेरी गुड। विशाल जी वे परत एकदा विचार कर बेटा, संकेत दिशा बांगर बोर्ड ब्लर है बेटा, ऐश्वर्या के परत एकदा विचार कर, गलत कर रहे हो, 274 ने 294 है कृष्णा, वो सेकंड वाला है वो, एक बार रिज्वाइन करके देखा गया दिशा आपने, ब्लर हो गया। मानसी धीवर परत एकदा विचार करा, ते चुकीचं वाटते आंसर। अरे यार ठीक है, मैं आपके लिए अभी क्या करता हूँ, फिर से एक बार वीडियो बंद करके ऑन करता हूँ, सेट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर मेरे को एक बार फिर से रिज्वाइन करता हूँ मैं। Is it okay now? All of you are comfortable students? Yes, Mayuri, Disha. अरे कृष्णा तेरे क्या हुआ रे, 218 814 कहां से आ रहा है? संकेत चुकी है बेटा, चुकी से आंसर दिलेला है। विशाल जीवे गलत है, चलिए फास्ट फास्ट। हाँ तेजस बेटा वही तो है ना यार, तिथर तर तुला डोकायला हवायचंय, that is where you are supposed to be using your the favorite sense of human beings, what is that, I think everyone knows that, what is our favorite sense,
हाँ ये स्टूडेंट्स अभी आ रहा है कि वीडियो और ऑडियो? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? चला ठीक है, ये इसका आंसर क्या आ रहा है? तो इसका आंसर आ रहा है, सभी को मालूम, पहला नंबर क्या रहेगा? 3। दूसरा नंबर क्या रहेगा? 2। तीसरा नंबर क्या रहेगा? 6 हर्ट्ज। आंसर क्या है? 326 हर्ट्ज। कितनी है ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी? ठीक है सर, अपना एक क्वेश्चन लिख देता हूं ये टाइप का, और इसको कैसे करना है आपने ध्यान से सीख लिया है अभी। ठीक है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इनिशियली फाइनल में क्या है? फाइनल में क्या है? एडिंग वैक्स। एडिंग वैक्स क्या किया अपन ने? वैक्स को ऐड किया। क्या किया? वैक्स को ऐड किया। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं, है ना? ये है F2। F2 इज अननोन, F1 नोन। और यहां ध्यान दो, जो एडिंग वैक्स है ना, ये F2 को हो रहा है। किसको ऐड वैक्स ऐड कर रहे हैं अपन? F2 को। किसको वैक्स ऐड कर रहे हैं? F2 को। F1 क्या है? नॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो पहला देखिए, FB FB फाइनल स्टेट में डिक्रीज हो रहा है। FB decreases after adding wax. जब wax add कर रहे हो तो beat frequency कम हो रही है, मतलब F2 क्या रहेगा? इसको मैं final बोल देता हूं, ठीक है, after adding wax। तो F1 क्या रहेगा? F2 क्या रहेगा? F1 plus initial बीट फ्रीक्वेंसी, वही काम किया देखिए यहाँ पे अपन ने। ठीक है, सेकेंड केस में बीट फ्रीक्वेंसी फाइनल स्टेट में बढ़ रही है, बढ़ गई, तब F2 क्या रहेगा? F1 माइनस इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी। एड कब करना है? जब बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है। सबट्रैक्ट कब करना है? जब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कौन से केस के लिए? वैक्स ऐड करने के केस के लिए। कौन से केस के लिए? वैक्स ऐड करने के केस के लिए। और थर्ड, नो चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी, है ना? बीट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हो रही क्या? नहीं। अब देखो ये 320 हर्ट्ज का है, 6 हर्ट्ज, मतलब आई सर 326 बन सकता है, नहीं तो 314 बन सकता। मगर वैक्स ऐड करने के बाद, है ना, वैक्स ऐड करने के बाद फ्रीक्वेंसी तो पक्का घटेगी। क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो यहाँ पे जो 6 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा था वो पीछे की तरफ 6 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वैक्स ऐड करने के बाद 314 हर्ट्ज पड़ेगा। मतलब वैक्स ऐड करने से पहले कितना रहेगा? 326, है ना? मतलब देयर इज नो चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज है क्या? नहीं है। ठीक है, so when there is no change in bit frequency for wax adding case, F2 will be equal to F1 plus bit frequency. समझ में आ गया? Completely logical है, है ना? Completely logical है। किसी को कोई भी गड़बड़ है केस में? Are we completely clear? देखो ये मैं वही बता रहा हूं, ये समझना बहुत आसान है। ठीक है,
मगर एप्लीकेशन में गलती करोगे तुम लोग और तब तक नहीं सीखोगे। ठीक है, तो जो मैंने समझाने की बात की, मैंने जो समझाया यहाँ पे, ये सब कुछ क्लियर है सब? कोई बात है इसमें? आर वी क्लियर स्टूडेंट्स? फास्ट आंसर करो इस पे, जैसे बोर्ड ब्लर है, वीडियो ब्लर है और ऑडियो नहीं सुने आ रहा, तब कैसे कितने फटफट आंसर आते हैं, वैसे बताओ क्लियर है कि नहीं है। अच्छा ओके, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट्स। व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट? इज इट कंप्लीटली क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड यशस्वी, संकेत। व्हाट अबाउट अदर्स? कुणाल, मयूरी, कुटे, क्लियर झालं का बेटा? जबेरिया, सैयद, क्लियर हो गया बेटा? शुभम, स्नेहा, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें? ठीक है प्रियंका, एक बार ध्यान दो यहां पे, जब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बीट फ्रीक्वेंसी, अब देखो वैक्सिंग में क्या होगा, जिसके ऊपर वैक्स लगा रहे हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, कम होगी। ठीक है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, इससे बड़ा रहना चाहिए, तभी बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। सही है कि नहीं है? बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो ये आइदर यहां पे रहेगा, नहीं तो यहां पे रहेगा, मतलब वैक्स ऐड करने के बाद यहां से यहां पे आ गया, फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई वैक्स ऐड करने के बाद। यहां देखिए 12 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो गई, 326 था 314 बन गया, इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आया नहीं। जब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, कोई गड़बड़ इसमें? चलो मैं थोड़े से नंबर चेंज कर देता हूं और वैक्सिंग निकाल देंगे, वैक्स ऐड करना निकाल देंगे। अपन क्या करेंगे, After adding wax to tuning fork A, चेंज कर दिया अब मैंने। ठीक है, फिर से wax add कर रहे हैं, मगर अभी ट्यून अननोन फ्रीक्वेंसी को नहीं कर रहे हैं, नॉन फ्रीक्वेंसी को add कर रहे हैं। चलिए अब बताइए क्या होगा, नॉन फ्रीक्वेंसी को add कर रहे नॉन फ्रीक्वेंसी को, जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, उसके वैक्स को वैक्स ऐड किया है। इफ द बोर्ड इज बिकमिंग ब्लर इन बिटवीन, डोंट वरी, आई एम टेकिंग द पिक्स। एक पिक लिया है, भेज दूंगा मैं आपके ग्रुप में। यस स्टूडेंट्स, 274, अरे 74 नहीं बेटा, 76, इनिशियल निकालना, इनिशियल। टू 84 आ रहा है क्या? वेरी गुड यशस्वी मोरे, वेरी गुड नेहा वाजपेयी, गलती कर रहे हो बेटा तुम। वैदेही, सोचो एक बार,
वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड कुणाल। वैदेही मानसी दिवर परत एकदा विचार करा। टू 92 आया क्या राहुल? बहुत आसान है बेटा, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। 280 हर्ट्ज है, ठीक है। तो अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर 276 हर्ट्ज या 284 हर्ट्ज, ठीक है। ये हो सकता है F2, ये हो सकता है F2, क्या हो सकता है ये F2 हो सकता है। अरे बेटा कंफ्यूज ना हो, करके तो ये करा रहा हूं मैं सब कुछ, है ना। दिमाग लगाना है यहाँ पे, कंफ्यूज की बात ही नहीं आती, ठीक है। अब किसको अपन वैक्स ऐड कर रहे हैं, ए को ऐड कर रहे हैं, तो ए की फ्रीक्वेंसी घटेगी, ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या, नहीं। अगर ए की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और मैंने ये अज्यूम किया तो यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे जाऊंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, यहाँ पे क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी, और यहां जाऊंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि अपन 280 यहाँ पे कहीं तो भी है, तो ऐड करने के बाद वैक्स यहाँ पे पहुंचेगा, तो जब यहाँ जा रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यहां से देखिए बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो कौन सा करेक्ट होगा, 276 रहेगा कि 284 रहेगा? सिंपली 284 हर्ट्ज रहेगा। क्या रहेगा? 284 हर्ट्ज रहेगा। कितना सिंपल लॉजिक है। यस वैदेही, अभी कंफ्यूजन है क्या आपको? सिर्फ दिमाग खोल के आपको सोचना है, नॉट लिटरली, फिलोसॉफिकली और सपोज टू बी हैविंग अ ओपन माइंड एंड प्रॉपरली रिजॉल्विंग दिस। मयूरी मयूरी, अच्छा 300 हर्ट्ज वाला, 300 हर्ट्ज के लिए 308 या 292 आएगा ना। चलो वैदेही बाकी बाकी आंसर करो बेटा, अभी फास्ट, फिर से वही काम है अपने को, सिंपली एक ही लाइन लगाना है ना, क्या आएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। F1 ये है, F2 ये है, F2 ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो आंसर इज दिस। बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो आंसर इज दिस। तो यहां पे आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि कम वाला ही करेक्ट आंसर रहेगा, और यहां पे आंसर क्या रहेगी, 292 हर्ट्ज। तो यहां पे लिख देता हूं, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, F2 इक्वल्स टू F1 प्लस F(b) फाइनल, ये इनिशियल। बीट फ्रीक्वेंसी फाइनल डिक्रीजेस, F1 माइनस FB इनिशियल। नो चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी, क्या है, नो चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, वैक्स इसको ऐड किया तो इसकी घटेगी, तो 320 था है ना। No change in frequency के केस में क्या आएगा, F2 will be equal to F1 minus initial beat frequency minus ही रहेगा, क्यों, क्योंकि कम होने के बाद पीछे जाएगा, तो इसका क्या रहेगा, 315 हर्ट्ज। सो वैक्सिंग के टोटल 6 केसेस, क्लियर हो गए सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोकान कसे, क्लियर है क्या?
आर वी कंप्लीटली क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी डाउट है तो हाथ ऊपर करो. यस, वेरी गुड वैदेही. हाँ मयूरी, ऐसे ही मयूरी तुम्हारा डरेगी लगता है यार, बोर्ड क्लियर नहीं करके बोलोगे तुम हमेशा. कोई एक डाउट? यस सर, वो थर्ड वन बोलो ना फिर से. हाँ आप देखो, अपने पास ये एफ वन है ना, ठीक है, सही है ना? यहाँ पे देख, बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो सब आप लोग? मयूरी ये 320 है बेटा. मयूरी सुने आ रहा है आपको? हाँ सर. 320 है एफ वन, ठीक है. सो 5 हर्ट्ज का इनिशियल ये है. हाँ. तो क्या बन सकता है इधर? 325 बनेगी, नहीं तो 315 बनेगा, 315 या 325, ठीक है. अब वैक्स किसको ऐड कर रहे हैं अपन? इनिशियल ए को या बी को? यार नहीं, गांधी, अरे बहुत दिनों के बाद ये वर्ड यूज कर रहा हूँ. मयूरी, यस मयूरी सर, वो नहीं समझा, वो सेम है ना, वो इनिशियल और फाइनल दोनों भी सेम है तो नहीं समझ रहा हूँ. ए को, नहीं नहीं किसको ऐड कर रहे हैं अपन वैक्स? ए को. ए को, तो किसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी? एफ वन कम होगी कि एफ टू कम होगी? एफ वन. हाँ एफ वन किसकी फ्रीक्वेंसी? ए की. तो वैक्स अपन ने ए को ऐड किया तो एफ वन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना? अब तो देखो एफ वन की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू चेंज हो रही है क्या? नहीं, एफ वन कम हो गया. खा गया नहीं मालूम अपने को, मगर एफ वन कम हो गया है ना. तो ये तो पक्का नहीं बन सकता, यही बन सकता क्योंकि एफ वन कम होके 310 हर्ट्ज हुआ, तब फिर से बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3.5 हर्ट्ज की आएगी. सही बात है कि नहीं है? मयूरी जला. हाँ. चमका. हाँ सर. ठीक है, इसको प्रैक्टिस हाँ. करना पड़ेगा तब जाके ये पूरी तरह क्लियर रहेगा, ठीक है, नहीं तो एकदम माइंड क्लियर. हाँ, सर. ओके बेटा चलो नेक्स्ट. एनीवन एल्स? कोई और है? विकास क्लियर झाला बेटा तुला? कुणाल इंगळे, भारती इंगळे, वेदांती, नेहा, जवेरिया, औदुंबर, क्लियर है? आर्यन, वैभव, अभिषेक, शाहाना, आलमा शाह, गणेश गायकवाड, क्लियर है सभी को? वैदेही आंसर्स आ रहे बेटा भी आपको? यस नेहा, अपन ने वैक्स ऐड किया है मगर एक बार अननोन फ्रीक्वेंसी पे किया है, एक बार नॉन फ्रीक्वेंसी पे किया है, एक बार अननोन फ्रीक्वेंसी पे किया है, दूसरी बार नॉन फ्रीक्वेंसी पे किया है, ठीक है, क्लियर है? अरे टाइम हो गया रे, अरे मेरे को और एक काम करने का था. अच्छे करा दू और थोड़ी देर. पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 75. हाँ ठीक है चलेगा, पार्टिसिपेंट्स है तो अपन कर सकते हैं और थोड़ी देर आगे तक, ठीक है. अब इसका अपन उल्टा करते हैं और ये थोड़ा फास्ट करूंगा मैं. ओके यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो फास्ट. ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग वैक्स नहीं, फाइलिंग कर रहे हैं अपन. क्या कर रहे हैं? फाइलिंग. फाइलिंग बोले तो घसना. फाइलिंग ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी बी. ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी बी. सपोज मैंने नंबर्स फिर से सेम लगा दिए, नंबर्स क्या कर दिए? सेम लगा दिए. चलिए बताइए, टेबल भरना है अपने को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर देना है, ठीक है, जब तक मैं वहां पे लिख दूंगा. बोलो आफ्टर फाइलिंग है ना, एफ वन है, एफ वन, ठीक है, ये भी एफ टू हो सकता है,
यहाँ यहाँ पे भी एफ टू हो सकता है, क्या बनेगा ये एफ वन माइनस एफ बी, ये बनेगा एफ वन प्लस एफ बी, ये है अपना एफ वन। एफ वन प्लस एफ बी, एफ वन माइनस एफ बी, एफ वन प्लस एफ बी, एफ वन माइनस एफ बी, ठीक है। सो फाइलिंग किसको कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, ठीक है। फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो यहाँ पे देखिए एफ बी ऑफ एफ इंक्रीजेस, सर एफ टू का होनार एफ वन, ठीक है। तो यहाँ पे 280 है, तो 276 हो सकता है या 284 हो सकता है। फाइलिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पक्का बड़ा ही रहना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 284 हर्ट्ज रहनी चाहिए। फाइलिंग करने के बाद बढ़ेगी ना, है ना, तो ये लिख दूं मैं यहाँ पे एफ बी इनिशियल, सेकेंड एफ बी फाइनल रिड्यूसिंग एफ टू एफ वन माइनस एफ बी इनिशियल, और थर्ड एफ बी रिमेन्स सेम, ठीक है। देखिए अभी ये 292 हो सकता है या 308 हो सकता है। फाइलिंग करने के बाद बढ़ेगी तो बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घट हो रही है, कम हो रही है बीट फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर आएगा 292 हर्ट्ज। और लास्ट वाला बता दो बेटा, तीन सौ पंद्रह हर्ट्ज, सही है। कोई भी गड़बड़ किसी को, ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर, यस स्टूडेंट्स, आला आंसर सगळ्यांना, यशस्वी मोरे, मिस्टेक केला बेटा तू, है ना, सेकंड और थर्ड में। मानसी धीवर, नो स्नेहा, फाइलिंग इज अपोजिट टू व्हाट, एडिंग ऑफ वैक्सेस, एडिंग ऑफ वैक्स डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, फाइलिंग इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। चलिए अगर फाइलिंग मैंने ए को कर दिया, अभी किसको कर दिया, यस विकास, हाँ चलेगा ना, मगर वहां पे देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ फाइलिंग बी को किया, वहां वैक्सिंग ए को किया, वैक्स एड बी को किया, यस विकास बोलो बेटा। सर समझ रहे हो, किसी का नहीं समझ रहा रे, काट का तू फिर से बोला, सेकंड में सर, और फाइलिंग नंबर लाइन आता, हाँ हाँ, 280 लिख दिया मैंने F1, पहला वाला समझा क्या, दूसरा वाला लेता हूँ मैं, देखा दूसरा वाला 300 F1, दूसरा वाला लीजिए सर, हाँ ठीक है। तो अपने पास दो बन सकते हैं, 8 हर्ट्ज पीछे बोले तो 292 बन सकता है, और 8 हर्ट्ज आगे बोले तो 308 बन सकता है। अब देखो ये है F2, ये दोनों में से एक है F2, जब फाइलिंग करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, 308 है ना, तो 308 बढ़ेगी, मतलब 308 से आगे जाएगा या 292 से आगे जाएगा। अब देख, जब 292 से आगे जा रहा है तो 300 और वो फ्रीक्वेंसी के बड़े जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो घट रही ना यहाँ पे, है ना, कम हो रही है, यस विकास, हाँ 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 सर,
292 को अगर तुमने फाइलिंग किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 292 294 बनेगा या 296 बनेगा, 295 बनेगा, कुछ तो ही बनेगा, मतलब वो 300 के पास जा रहा है, है ना। जब 300 के पास जा रहा है तो दोनों के बीच जो डिफरेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो के हाँ कम हो रहा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ये वाली। अब यहाँ अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ फाइलिंग कर रहे हो तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, डिफरेंस बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, तो यहाँ पे देखो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, तो 292 बन गया कि नहीं बेटा? हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो ये वाला, इसको 320 लगा देता हूँ तो अपने पास क्या रहेगा, इधर 315 या 325, है ना। वहां बीट फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, फाइलिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो यही हो सकता है पॉसिबल, मतलब ये है इनिशियल, ये है फाइनल, सही है। चलो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, जरा दिमाग लगा के अच्छी तरह करो, ठीक है। यू हैव दैट व्हाट वी कॉल इट एज, व्हाट द बायोलॉजिस्ट कॉल देम एज समथिंग, अब पूरे बदल दे रहा हूं नंबर्स आपके खुशी के लिए। द अननोन फ्रीक्वेंसी स्टिल बी, चलो इसको 250 ले लेते हैं, इसको 240 ले लेते हैं, इसको 180 ले लेते हैं, 220 ले लेते हैं, ओके। अब फाइलिंग ए पे हो रही है, ये अननोन है, अननोन है, अननोन है, पहले 5 था फिर 7 हो गया, ठीक है, फिर बाद में सपोज 9 था 7 हो गया, फिर बाद में सपोज 2 था 2 हो गया। चलिए ये करो एज अ होमवर्क, ठीक है, और इसके आंसर्स कल मेरे को बताना है आपने, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, विल मीट इन टुमॉरोस क्लास, आपको बताया जाएगा कि कब, 1.5 घंटे का क्लास होगा, मैं बताऊंगा। अरे स्नेहा क्या बात है यार, नॉन फ्रीक्वेंसीज बोले तो उन्होंने दिया है अपने को, क्वेश्चन में दे दिया ये है नॉन फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी दी वो नॉन फ्रीक्वेंसी, जिसकी पूछा है वो अननोन फ्रीक्वेंसी। क्या चालू है स्नेहा तुम्हारे साथ आजकल, कोरोना का फिजिकल क्या मेंटल इफेक्ट गिर रहा क्या आप पे, व्हाट इज हैपनिंग, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, नॉट ऑफ एनी वन ऑफ यू। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कहां पे कंफ्यूज हो, चलो आपको अनम्यूट करता हूं एक बार, खा गई स्नेहा, यस स्नेहा, यस स्नेहा बोलो बेटा, कहां पे कंफ्यूज हो रहे हो सर। अब आपने पहले क्या बताया, एडिंग इन वैक्स में बताया कि माइनस करना है, अगर 8 और 6 है तो आपने 288 आंसर निकाला, और वही आपने सेकंड में किया तो आपने माइनस कर दिया सर। अरे बेटा देखो वैक्सिंग बोलो तो किसको, मैं देखो मैंने यहाँ पे पूरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कवर किए बीट्स में जो जो आते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले केस में जब पढ़ा रहा था, पहली बार टेबल बनाया तो वैक्सिंग किसको किया था, वैक्स किस पे ऐड किया था, बी पे ऐड किया था, सही बात है। यस अब नेक्स्ट केस में मैंने ए पे ऐड किया है, ठीक है, उसके बाद फिर फाइलिंग किया, फाइलिंग किसको किया पहले, बी को, समझे क्या? नहीं सर वैक्सिंग में ही बता रही थी सर। अरे वैक्सिंग में दोनों आंसर्स ऑपोजिट है, वैक्स करने में, वैक्स ऐड करने में दोनों आंसर्स ऑपोजिट है, सही। अरे यार तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो खुद को, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पहली एक बार आपने वैक्स किस पे ऐड किया, बी पे ऐड किया, उसके बाद वैक्स किस पे ऐड किया, ए पे ऐड किया। हाँ तो क्वेश्चन में आपको कभी भी कुछ भी पूछ लेने दो, नॉन फ्रीक्वेंसी पे ऐड करने दो या अननोन फ्रीक्वेंसी पे ऐड करने दो, आप कर सकते हो, ठीक है। स्नेहा व्हाट यू डू, अभी आपका क्लास कब है इसके बाद? 10 o'clock सर। 10 o'clock है क्या,
ठीक है, तो फिलहाल अब इसके ऊपर मत सोचो, क्लास खत्म होने दो आपका 10 o'clock का, उसके बाद बैठ के ये प्रॉब्लम्स जो दिया है ना मैंने चार, एक बार नो अननोन फ्रीक्वेंसी को के ऊपर ऐड किया वैक्स, दूसरी बार नोन फ्रीक्वेंसी पे ऐड किया वैक्स, एक बार अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइलिंग की, और ये चौथी बार नोन फ्रीक्वेंसी को फाइलिंग की, ठीक है। ये चारों सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फिर से एक बार तुम सॉल्व करो बैठ के खुद से, लॉजिक से, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके सर। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को व्हाट्सएप मार दो, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड भेज देता हूँ, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर, यू विल हैव योर नेक्स्ट क्लास एट 10 AM। बाय 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 बाय। यस, बाय बाय, थैंक यू, वेलकम वेलकम।